और यहाँ पे देखो जीरो ज्वाइनिंग फीस और जीरो एनुअल फीस है। अगर आपको भी कोटक बैंक का ये जो लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है वो चाहिए बिना किसी ज्वाइनिंग फीस का और बिना किसी इनकम प्रूफ के और बिना किसी एनुअल फीस का, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपको भी ये क्रेडिट कार्ड जो है वो कैसे मिल सकता है बड़े आसानी से, वो भी घर बैठे ऑनलाइन, आपको ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड की जो कुछ फीचर्स है उसके बारे में आपको बता दूं। तो इसके फीचर जो है वो सबसे पहला फीचर ये है कि इसमें जो है आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है अगर आप 150 रुपये या फिर इससे ज़्यादा स्पेंड करते हो। तो यानी कि 150 रुपये पे 8 8 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं और 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू जो होता है वो 25 पैसे होता है। तो 8 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, तो मैं उसके लिए आपको कैलकुलेटर निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और 8 जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है अगर आप 150 रुपये की शॉपिंग करते हैं। तो सिंपली 8 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो आपका हो जाता है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 2 रुपये होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप 150 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपको 2 रुपये मिलते हैं। तो मैं इसको अगर परसेंटेज में निकाल के दिखाऊं तो 2 को मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो ये 2 रुपये जो है आपको मिलता है 150 रुपये की शॉपिंग पे। तो मैं इसको 150 से डिवाइड करता हूँ और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.33। 150 रुपये स्पेंड करते हैं तो 2 रुपये मिलेगा। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूँ तो ये 1.33% होता है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट से उसका जो क्रेडिट कार्ड आता है एक्सिस का और अमेजोन का ICICI, तो अगर आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अलावा, उसका खुद की वेबसाइट के अलावा, तो आपको 1.5% का जो है आपको कैशबैक मिलता है। 1.5 मैं यहाँ पे अब प्लस करके बता देता हूँ, 1.5 मिलता है और इस वाले क्रेडिट कार्ड में आपको 1.33 मिल रहा है। तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा कम कैशबैक मिलता है, पर आपको अगर फ्री में मिल रहा है बिना किसी एनुअल चार्ज के, बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। वीडियो पूरा देखना, मैं आपको फ्री में कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। जैसे आपको फिजिकली कार्ड रिसीव हो जाता है तो रिसीव होने के बाद आप उसका पिन जो है वो जेनरेट कर लेते हैं। तो पिन जेनरेट करने के बाद आपको एक गिफ्ट वाउचर दिया जाता है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल आईडी पे सेंड किया जाता है। गिफ्ट कार्ड की तरह ही होता है, गिफ्ट कोड होता है। तो अगर आप PVR से या बुक माई शो से अगर आप बुकिंग करते हैं टिकट की, तो वहाँ पे वो कोड अगर आप डालेंगे तो आपका जो है वो 500 रुपये तक का टिकट जो है वो फ्री में बुक हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि लॉन्च एक्सेस होता है वो काम के होते हैं, पर मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद फ्यूल सरचार्ज पे आपको 3500 रुपये का एनुअल डिस्काउंट मिलता है। इसको मैं डिटेल में आगे कवर करने वाला हूँ कि इसके टर्म और कंडीशन क्या क्या है। इसके बाद ये आपके काम के उतने नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। और ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये का मिलेगा, मतलब कैश नहीं मिलेगा, आपको एक कोड मिलेगा मूवी वाउचर। और इसके बाद यहाँ भी कुछ काम के नहीं है। मैंने फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में बताया था कि एक साल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3500 रुपये का जो है आपको मिल रहा है और फ्यूल सरचार्ज वेवर, पर कंडीशन ये है कि आपको जो है 500 रुपये से लेके 3000 के बीच में ही फ्यूल डलवाना है, तभी आपको जो है वो कैशबैक मिलेगा। और ये जो फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको जो डिस्काउंट देते हैं ये 1% का देते हैं। जैसे कि मोस्टली क्रेडिट कार्ड 99.9% क्रेडिट कार्ड जो है वो फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है वो 1% का देते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड भी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है वो 1% का देते हैं। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक और चीज़ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, रेलवे सरचार्ज वेवर। जस्ट लाइक फ्यूल सरचार्ज वेवर की तरह अगर आप रेलवे टिकट बुक करते हैं तो रेलवे टिकट जैसे कि IRCTC का जो एप्लीकेशन आता है उस पे या फिर इसकी वेबसाइट पे बुक करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 500 रुपये तक का जो है कैशबैक मिलता है। ये जो लीग सील्ड है यही है कि 1,25,000 रुपये तक को आपका जो है वो आपको मिलेगा अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो गुम हो गया है और उससे जो कुछ भी पैसे नहीं, मान लो कि 5 लाख रुपये था तो सारा निकाल लिया किसी ने, और अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर उसकी जो है कंप्लेन कर दिया बैंक को इस नंबर पे कॉल करके, तो आपको जो है
एटलीस्ट 1,25,000 रुपये तक जो है वो दे देंगे। ऐसा नहीं कि 1 रुपये भी नहीं था आपके क्रेडिट कार्ड में और आपने फोन कर दिया कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और आपको 1,25,000 मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अगर इतने पैसे थे और वो सारे निकल जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 1,25,000 तक जो है वो बैंक आपको देते हैं। इसके बाद एड ऑन कार्ड है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एड ऑन कार्ड जो है जैसे कि आपको एक फिजिकल कार्ड मिलता है और अगर आप चाहते हो कि आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या कोई स्पेशल वन है जिसको आप एक अपना क्रेडिट कार्ड देना चाहते हो तो आप उसको दे सकते हैं। जस्ट इसको जो 811 एप्लीकेशन आता है वहाँ पे जाके अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं एड ऑन कार्ड कैसे लेते हैं उस पर वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट को अगर मैं कैलकुलेटर में रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो ये 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि 4 रिवॉर्ड पॉइंट जो होता है वो 1 रुपये के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो है 2,500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर आप 1,25,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 2,500 रुपये का कैशबैक मिलता है। तो या तो आप 2,500 रुपये का आप 4 मूवी टिकट ले लो PVR का, मैं तो कहूँगा कि आप जो है ये रिवॉर्ड पॉइंट ही ले ले। ये थे इसके कुछ स्पेशल फीचर्स। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं तो इसकी एलिजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपकी एज जो है 21 ईयर से ज़्यादा होने चाहिए जो कि 99.9 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लीकेबल है ये एज, और 65 से कम यानी कि 65 तक होना चाहिए। बाकी ये लोकेशन जो है वो फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ इसी लोकेशन के लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है। इनकम जो है आपका 5 लाख होना चाहिए पर एनम, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा कोई भी इनकम प्रूफ नहीं था और कुछ भी मैंने दिया नहीं है, फिर भी मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूव हो गया है। इनकम 5 लाख पर एनम यानी कि पर ईयर का मतलब हो गया कि आपका जो है पर मंथ 40,000 रुपये इनकम होना चाहिए, जो कि ऐसे ही इसने लिख दिया है, ऐसे ही किसी को भी अभी अप्रूव कर दे रहा है ऑफर में। और इसके बाद जो है ये बोल रहा है कि शुड बी इंडियन रेसिडेंट, ये तो आपको होना ही पड़ेगा बिकॉज इंडियन होना जरूरी है। तो इतने सारे इसके टर्म एंड कंडीशन हैं। इसके बाद मैं बात कर लूँ इसके फीचर्स यानी फी और चार्जेज के, तो फी और चार्जेज में आपको ज्वाइनिंग फीस 499 दिखा रहा है या नील दिखा रहा है, देख रहे हो या भी दिखा रहा है। तो ये कैसे आपको नील मतलब जीरो में मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और एनुअल फीस 499 है, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लूँ रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो रिवॉर्ड पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया, आपको इतना लंबा पढ़ने की ये कोई ज़रूरत नहीं है। रिवॉर्ड पॉइंट मतलब 4 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपये होता है, तो आपको 150 रुपये पे जो है ये क्रेडिट कार्ड देता है 8 रिवॉर्ड पॉइंट। तो यानी कि आप 150 रुपये की शॉपिंग करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2 रुपये का कैशबैक मिलता है, और चाहे तो आप उस रिवॉर्ड पॉइंट को जो है मूवी टिकट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा कि रिवॉर्ड पॉइंट से आप मूवी टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वीजा पे वेव, तो ये भी कोई ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है। इसमें बस यही है कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन, जो कि आजकल सारा क्रेडिट कार्ड ये ऑफर देता है, कार्डलेस ट्रांजैक्शन ये होता है कि आपका जो है NFC के द्वारा 5,000 रुपये तक का पेमेंट जो है आप बिना पिन दबाए ही डाल सकते हैं। अगर वो दुकानदार जो है वो NFC सपोर्ट मशीन रखता है, यानी कि आप उसको इस वाले क्रेडिट कार्ड से भी 5,000 रुपये तक का बिना उसको कार्ड दिए ही NFC के सपोर्ट से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के लिए जीरो में कैसे अप्लाई करना है, जीरो एनुअल फीस, जीरो ज्वाइनिंग फीस और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे ये बटन आपको कैसे आएगा, तो सिंपली आप यहाँ पे एक गूगल पे नए पेज ओपन करना और यहाँ पे आप टाइप करना कोटक लीग क्रेडिट कार्ड यानी कि कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको ये पहला वाला लिंक ओपन होके आएगा, तो पहले वाले लिंक पे आप क्लिक कर लेना, कोटक बैंक के पहले वाले लिंक आएगा और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जो है कोटक लीग क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी आपको यानी कि फोटो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, और जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहीं पे ट्रिक है, आपको फ्री में मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे नीचे आएगा, ये देखो रिवॉर्ड पॉइंट, जो भी इसमें पॉइंट्स है मैंने सारा पॉइंट्स आपको पहले समझा रखा है तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो जीरो ज्वाइनिंग फीस और जीरो एनुअल फीस है। आपको पीछे क्या दिखा रहा था, जैसे कि इसी को मैंने अप्लाई नाउ किया है, तो आपको पीछे क्या दिखा रहा था यहाँ पे कि
आपको जो है फी एंड चार्जेज में 499 रुपये ज्वाइनिंग फीस और 499 रुपये एनुअल फीस। पर यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे करते हो, यानी कि यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो, तो नेक्स्ट पेज में ये ओपन होके आता है और यहाँ पे 0 ज्वाइनिंग फीस और 0 एनुअल फीस दिखा रहा है। तो ये ज्वाइनिंग फीस सब कुछ यहाँ पे 0 0 है। सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे गेट योर कार्ड नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे गेट योर कार्ड नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर आपका कोडक में सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है 811 में, तो आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें। और अगर आपका कोडक में सेविंग अकाउंट नहीं है तब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें जो आपकी किसी न किसी बैंक से रजिस्टर है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक कर लेना है। पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक कर लेना वीडियो KYC के लिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर जो भी इनके ऑफर होंगे उसके लिए ये बोल रहा है कि इस पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, दिन भर मैसेज भेजते रहते हैं ये, तो यहाँ पे नहीं क्लिक करें। सिर्फ इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके और OTP को यहाँ पे गेट इट नाउ पे क्लिक कर लेना। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, जो कि आपको कोडक का जो है वो प्लेटिनम लीग क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं मोबाइल नंबर डाल के आगे का प्रोसेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आपको 0 ज्वाइनिंग फीस और 0 एनुअल फीस में कैसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोडक का जो डेबिट कार्ड है उस पे EMI पे आप कैसे प्रोडक्ट खरीद सकते हो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।